आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एकदम झटपट से बन जाने वाली बहुत ही यम्मी यम्मी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए फिर झटपट से शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक कटोरी लेंगे बेसन और एक कटोरी लेंगे हम चावल का आटा। आप कोई भी एक कप या कटोरी रख लीजिएगा मेजरिंग के लिए, जिससे सारी चीज़ों को नाप सकें। आधी कटोरी लेंगे इसमें सूजी। सूजी आप मोटी या बारीक वाली कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको एक अच्छा सा घोल बनाएंगे। एक साथ से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, वरना क्या है कि इसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बैटर बन के तैयार होगा, गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे और ये देखिए इस तरीके का बैटर बन के रेडी है। तो अब हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे। अभी 10 मिनट हो चुका है और बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फूल के भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो, आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसमें सब्जियां आप अपनी मनपसंद की कोई सी भी डाल सकते हैं जो आप खाना चाहें, जैसे गाजर वगैरह भी। आधी छोटी चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, आधे चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे इसमें कूटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच नमक डाली है। अब हमें क्या करना है कि एक उबला हुआ आलू लेना है, तो इसको छील के मैंने ले लिया है यहाँ पे। और ये देखिए इस तरीके से ना इसमें कद्दूकस करके डालेंगे ताकि इसमें मोटी मोटी गुठलियाँ ना रह जाएँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार से इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है और बहुत झटपट से बन भी जाता है। तो बस अब हमें इस आलू को इस बेसन वाले बैटर में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये उबला हुआ आलू है तो इसलिए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पून से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये चारों तरफ बेसन के बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें हमने जो चावल का आटा डाला है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा बनता है ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए इस तरीके से बैटर बना के हमें रेडी कर लेना है। तो बस चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब हम गैस पर एक पैन या तवा रख के उसको अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको इस तरीके से फैला देंगे। अब जो हमने बैटर बनाया है उसको 2 चम्मच लेंगे और इसमें इस तरीके से भर भर के डालेंगे और इसको थोड़ा सा राउंड राउंड शेप में इस तरीके से फैला देंगे। तो आप चाहें तो इसको चीला टाइप में बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं या चाहें तो छोटा छोटा साइज में भी बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो वैसा बना सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा 2-4 बूंद तेल डाल देंगे ताकि सूखा सूखा ना बने और फिर उसको हम ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं और ये नाश्ता जो ऊपर से देखने में ही दिख रहा है कि नीचे से अच्छे से सिक गया है, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पलट जाएगा, एकदम भी चिपकता नहीं है। तो ये देखिए इसको पलट दिया मैंने, एक तरफ से ये बहुत अच्छे से सिक गया है। अब दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए सेक लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये दूसरी तरफ से भी सिक गया है और दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आया है। 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाता है। तो बस ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है तो इसको तवे से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म प्लेट में इसको सर्व करेंगे। इसे आप हरी चटनी, सॉस या किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।